हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। और आज हम जो कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। उसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे। तो मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बताऊंगा मैं। जो SBI किसी भी एग्जाम, किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा एग्जाम है, उसमें डेफिनेटली परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आता है। और ये जो मैं आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को हम ट्रिक्स से देखेंगे। मेरा नाम सुमित अग्रवाल है। मैंने NTPC RRB 2015 एंड RRB PO SSCGL CHSL के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। उनमें मेरा मैथ का स्कोर 95% से 100% तक रहा है। 100% भी मैंने स्कोर किया है और मुझे एग्ज़ाम के वो बहुत नियर ले आता है। मैथ का जो स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये करने की नीड है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और हमारा टेलीग्राम है, चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसको जाकर वहाँ से फॉलो कर सकते हो वहाँ पेजेस, और बाकी आपको PDF वगैरह वहाँ मिल जाएंगी। देखो इसमें क्या है, दो वस्तुओं की कुल आपको लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1680 रुपीज़। यदि उसमें से एक को 12% प्रॉफिट पर और दूसरे को 16% हानि पर, लॉस पर बेचा जाए, यानी कि सेल करने पर क्या हुआ है, हानि हुई है 16% की दूसरे पर और पहले पर हुई है 12% का प्रॉफिट। तो फाइनली उसको अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहिए, मतलब कि वो 1680 रुपये में उसने जो खरीदा है वो 1680 रुपये में ही क्या कर रहा है, उसको बाद में सेल कर रहा है टोटल मिला के, तो उस कंडीशन दोनों की अलग अलग लागत क्या होगी, ये चीज़ उसने पूछी है। कंबाइंड लागत दे रखी है, कंबाइंड आपको SP दे रखा है। SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ना तो लाभ ना हानि। इसका मतलब क्या है, जितना आपका कॉस्ट प्राइस उतना ही आपका क्या, सेल प्राइस। एक बार इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना इस क्वेश्चन को मैं आपको किस तरह से कराता हूँ। और आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन वास्तव में कुछ है नहीं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो होप सो आपने वीडियो पॉज करी होगी, देखा होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इसको देखो एक बार किस तरह से करते हैं। आपको कहने का इसमें ये है, एक पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है वो आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड पर आएंगे हम डायरेक्ट। इसमें है जैसे 1680 है, अगर मैं मान लेता हूँ कि पहला अमाउंट हमारा एक्स था, पहली लागत एक्स थी, तो दूसरी डेफिनेटली 1680 - x हो जाएगी, नो डाउट। अब इसमें बोला है आपको पहले पर 12% प्रॉफिट हो रहा है। भाई प्रॉफिट हो रहा है, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आपका है 12% का, इस पर प्रॉफिट कितना है 60%, सॉरी इस पर लॉस है 16% का। 16% क्या है कि लॉस है। अब 12% निकालोगे इस एक्स का, तो 12% कितना निकलेगा प्रॉफिट, 12x/100 इन टर्म ऑफ रुपीज। और इस पर लॉस कितना निकलेगा, 16% ऑफ 1680 - x, ये इन टर्म ऑफ रुपीज। जब हम परसेंट को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, upon 100 लगाते हैं। अब देखो ये प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली CP में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x+k 12x/100। और ये क्या हो जाएगा, ये SP में, ये जो कॉस्ट प्राइस में से क्या हो जाएगा, लॉस हट जाएगा, तो वो क्या जाएगा, SP। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 1680, 1680 - k सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन क्या है, काफ़ी बड़ी है, अननेसरी कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करनी पड़े। और फिर उसमें ऐसे में एग्जाम में जब आपके पास टाइम बहुत कम हो तो आप कैसे करोगे इन चीज़ों को। अब आपको क्या रखना पड़ेगा, ये बराबर करने पड़ेंगे, सॉरी बराबर नहीं करने पड़ेंगे, इनको एडिशन करना पड़ेगा। इनका एडिशन कितना आएगा, वो भी 1680 आएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये आपको थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है करना, इसको आप कर सकते हो सॉल्व। अदरवाइज एक दूसरा बहुत अच्छा मेथड है वो ये, जैसे ये 1680 आपको दे रखा है, तो हमें मतलब इससे, हमें प्रॉफिट से, लॉस से, और फाइनली प्रॉफिट लॉस से ही तो मतलब है। हमें जो भी हो रहा है कैलकुलेशन वो प्रॉफिट लॉस के बेसिस पर ही हो रहा है, एंड में भी एंड स्टार्टिंग में भी। तो यहां देखो, यहां पर आपका था प्रॉफिट और यहां था आपका लॉस। अब थोड़ा सा इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ये 12 है, ये आपका 16% है, लॉस है, तो मैंने एल से इसको डिनोट कर दिया, माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपको क्या चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, बात समझ में आई, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। अब इसको क्या है, जस्ट सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आ गया 12, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आ गया 16, जस्ट कट कर दो इसको 4 times, और ये कितना 3 times। अब यहाँ जो 4:3 आया है, उसी रेशियो में आपको क्या करना है, इस 1680 को डिवाइड करना है। तो 7 की वैल्यू आपकी है 1680, तो आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो गई, 7 * 7 = 28, 7 * 14 = 56, 560 रुपीज, सॉरी 7 * 14 =
सात दूनी 14 और 7 चौक 28, ठीक है। तो 24 चौक 4 चौक 16, 1 और 96, तो 960 रुपीज़ क्या हो गई इस वाले अमाउंट की। जिस प्रोडक्ट को हम प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं उसका लागत प्राइस क्या होगा 960 रुपीज़, और बाकी दूसरे का क्या होगा 300, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो 720। दोनों के आगे अमाउंट सिंपल सिंपल चीज़ें थी। ये 720 रुपये में हमने क्या है लागत खरीदी, और इसको 960 रुपये में खरीदा है हमने, टोटल हो गए 1680। अब जब फाइनल बेचा है तो इसको तो प्रॉफिट पर बेचा है और इसको लॉस पर बेचा है, जब फाइनल अमाउंट आएगा तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 1680। तो ये एक मेथड था, सिंपल सा मेथड। इसी बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं सभी क्वेश्चन अलग अलग लिए हैं ताकि आप जब भी किसी एग्जाम में, या फिर आपके पास बहुत कम टाइम हो CHSL वगैरह या SBI PO के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं JEE वगैरह के लिए, तो उसमें आप ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट वो कर सको, और हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, अब इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में सेम बोला है कि कुल लागत है। एक बार इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख के आप खुद से अटेम्प्ट करना, फिर देखना कि हम इसको किस बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक को प्रॉफिट दिया है उसने और दूसरे को क्या किया है लॉस पर बेचा है। यदि अंतिम रूप में दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, बस समझ में आई, इससे पहले उसने नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन दी थी, अब बोला उसने विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि आपका इसका क्रय मूल्य अगर एक का एक्स है दूसरे का कितना हो जाएगा 63690 माइनस एक्स। ओके, दोनों का कुल लागत मूल्य इतना है 3690। अब उसने बोला है इसको 15, इसको 20% प्रॉफिट पर हो, इसको 15% लॉस पर हो, तो लॉस को तो माइनस से दिखा दिया, इसको प्लस से दिखा दिया। तो अंतिम रूप में यानी कि इसका जो SP1 आया और इसका आपका जो विक्रय मूल्य आया, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब आपको इस कंडीशन में एक्स निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए, ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया, होप सो आपने वीडियो पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन किया होगा। अब इसको वैसे तरीके से करते हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही, विक्रय मूल्य की, तो हमें सारी चीज विक्रय ही रखनी पड़ेगी। मिक्सचर एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि आपको जब भी किसी एग्जाम में, जब भी किसी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट करना है उसको विद टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये और इसके साथ और ये फाइनल रिजल्टेंट सारे क्या होंगे, एक ही मोड में होंगे। जैसे इसने विक्रय मूल्य दिया है, तो एक बात बताओ, 100 रुपये अगर आपका लागत मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 120। इनकेस इसके लिए भी मैं अगर 100 रुपये लागत मूल्य मानता हूँ तो हानि के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 85 रुपीज़। फाइनल विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है जीरो। दोनों का डिफरेंस क्या है जीरो, ठीक है, हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस क्या है जीरो। अब इसके बाद देखो ये क्या है 120, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 120, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपका कितना है 85। ओके, ये 5 से कट करोगे 17, और ये 5 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ आगे 17 और 24, तो आपसे पूछा है कुल लागत में दोनों की अलग अलग लागत, बिल्कुल सेम वही है, ये 17 प्लस 24 यानी कि आपका कितना हो गया 17 11 41। तो 41 की वैल्यू कितनी है 3690, तो आपसे 17 की पूछी 17 ही निकाल सकते हो। 3690 किसकी वैल्यू है 41 की, आपसे 24 की पूछी 24 की निकाल सकते हो। सबसे सिंपल मेथड्स है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको नीड नहीं है ना ही कोई, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और अगर एग्जाम में ये प्रॉफिट एंड लॉस का आपका टॉपिक है जो कि होता है परसेंटेज में, और तो उसके साथ ये क्वेश्चन डेफिनेटली, इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं और बच्चा इनमें कैलकुलेशन फंस जाता है। 21 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य सॉरी यानी कि CP कॉस्ट प्राइस 15 के विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस के इक्वल हो, तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा। आपने ऐसे में क्वेश्चन और देखे होंगे कि अगर 21 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं या 5 वस्तुओं के बराबर का लाभ प्राप्त हो, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और आपको इनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता होगा, कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोई नीड नहीं है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आपको डायरेक्ट हो सकता है, सब क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो इसको भी वीडियो पॉज करके आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और होप सो आप कर रहे होंगे ये सब चीज़ें। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे जैसे उसने दे रखा है 21 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस 21। देखो एक बात इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसने 21 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस, बट आपको कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो सिंपल ये मान लो कि कॉस्ट प्राइस है CP, और आपका सेलिंग प्राइस एक वस्तु का कितना है SP। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP है, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या SP। बहुत अच्छे से समझना, नोट कर लेना, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। 21 वस्तुओं का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपका 21 CP। जब एक वस्तु का आपका CP है तो 21 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 21 CP।
तो टोटल आपका क्या हो जाएगा एसपी, टोटल एसपी यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब एक वस्तु का कितना है एसपी सेलिंग प्राइस आपका एसपी, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा 15 एसपी। अब इसने क्या बोला है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल हैं के बराबर वो बोला है ना, तो ये आपका यानी कि इसका बोला है 21 CP इज इक्वल टू 15 आपका एसपी, तो यहाँ पर सीपी अपॉन में एसपी क्या आ जाएगा आपका 15/21, 3 से 5 बार 3 से 7 बार। अब इसने क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है, इसने कोई एक्चुअल वैल्यू रियल वैल्यू थोड़ा ना पूछी है। रियल वैल्यू पूछते तो आप क्या बोलते, कांट डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज रियल नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, देखो इसमें सीपी पूछा, सीपी आपका क्या है, ये है 5 और सीपी 5 है, तो उस कंडीशन में एसपी क्या हो जाएगा आपका 7, उसी रेशियो में तो बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, जब सीपी 5 था एसपी 7 था, उस कंडीशन प्रॉफिट कितना था 2, और जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तो किस पर अज्यूम करते हैं, वो किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, इस 5 रुपए वाले कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100% लगाने के लिए, तो 5 * 20 यानी कि आपका कितना आ गया, सीधा सीधा 40% आ गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया 40%। सिंपल सा तरीका था, सेम इसी बेस पर वो भी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के एंड में। आप जब वीडियो देख लेते हो कंप्लीट, उसके बाद नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उन सभी को अगर ज़्यादा लोग एक ही टॉपिक के लिए गए हैं तो स्टार्टिंग हम वहीं से कर देंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है आपका 110 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस, 120% का प्रॉफिट हुआ है, 11% का घाटा सहना चाहे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, और फिर इसको देखो किस किस तरह से हम टिप्स एंड ट्रिक्स से इसको करते हैं। कोई भी इसमें जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्मूला की, किसी भी तरीके की, कि आपको कोई फॉर्मूला रटना पड़ रहा है और आप अननेसरी 1-2 पेज खींच रहे हो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, देखो किसी वस्तु का आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस 110 रुपीज, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, अज्यूम मत करना कि 100 रुपीज है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर आपके पर्स में 100 रुपीज हैं और मैंने पूछा कि 2 दिन पहले कितने थे, तो आप ये कहोगे कि 90 हो सकते हैं, 90 हो नहीं सकते, एक्चुअल प्राइस बताना पड़ेगा। जब भी आपसे ये पूछे कितने हैं कितने थे, तो इसका मतलब आपको एक्चुअल प्राइस बताना पड़ेगा, ओके। अब आप यहाँ पर मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता, तो हो सकता है आपके पास 50 हो, ठीक है। आपके पास जो हो, ये जो मैं 50 बता रहा हूँ, ये क्या है, एक काल्पनिक नंबर है। तो मुझे हमेशा जब भी दे रखा है यहाँ पर रियल नंबर, तो उस पर मुझे कभी भी अपनी तरफ से रियल नंबर अज्यूम नहीं करना है। तो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 120% का आपका क्या लाभ हुआ है। अब देखो ये है आपका काल्पनिक नंबर, तो काल्पनिक नंबर मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मेरी लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपये थी, 120% का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 120% निकालूंगा इसका कितना होगा 120 ही होगा, 120% भी 120 होगा। अब एक बार बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 220 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 11% घाटा सहना चाहे, चलो एक बात बहुत अच्छी बोली है इसने कि 110 रुपये जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। जब 120% क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 120% प्रॉफिट हुआ है, तब विक्रय मूल्य कितना है 110 रुपये, यानी कि 120 प्रॉफिट होने पर जब मेरा विक्रय मूल्य 220 आ रहा था, वो किसके बराबर है 110 के, तो फाइनली मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ कितनी होगी। कहने का है इसमें मैंने काल्पनिक नंबर माना 100, तब मेरा विक्रय मूल्य आया 220, जब मेरा विक्रय मूल्य 110 है तो मेरा सीपी क्या होगा। अब देखो ये कितना बढ़ा है, ये आपका 1/2 हुआ है, तो यहाँ जस्ट 1/2 कर देता हूँ मैं इसको, कितना होगा 50, या फिर ऐसे देख लो यहाँ से कितना जा रहा है (x)2, और यहाँ से कितना जा रहा है (x)2। बात समझ में आ गई, यही होती है आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप करते हो, ओके। अब आपको ये पता लग गया कि भाई 50 रुपीज क्या है, मेरा सीपी है, तो बस 11% का घाटा सहना चाहे तो विक्रय मूल्य निकाल दो 50 का, आपका क्या है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं की हमने, ओके। अब देखो ये बोल रहा है कि घाटा सहना चाहें तो 50 रुपीज में 11% का घाटा, 11% का मतलब 11/100 कितना आ गया आपका 5.5 रुपीज, तो ये आपका क्या आ गया लॉस आ गया। अगर इस लॉस को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये लॉस आ गया, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज लॉस, तो कितना आ गया आपका 5.5। आपका फाइनल एसपी कितना आ गया, जब क्रय मूल्य में से घाटा हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 44.5, बस समझ में आ गई, 5.45 एंड 45, ठीक है हो गया। तो 44.5 रुपीज क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया, ये आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य।
बात समझ में क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऑप्शन में दे रखा होगा 44.5, दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा 144.5, तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा आपको 89.5, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा होगा 300, 305। ऐसा करो, इसको इसको नियर ऑप्शन ले लो, 205.5। अब आपको इसमें भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो, ये 110 रुपये कब है विक्रय मूल्य, जब 120% प्रॉफिट हुआ है, 120% प्रॉफिट हुआ है। यहां तो 11% की हानि कर रहे हैं इनिशियल्स पे, तो ये कितना लॉस होगा? थोड़ा सा लॉस होगा। यानी क्रय मूल्य पे कितना लॉस होगा? थोड़ा सा लॉस होगा। ये आपको 120% प्रॉफिट हो रहा है, 120% प्रॉफिट होने के बाद वो 110 रुपये अमाउंट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, ये 120% आपकी 110 बना रहा है, तो 11% तो बहुत कम बनाएगा। इसमें अगर परसेंटेज निकालोगे तो भी आपके ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है कट जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा। इसको तो थोड़ा सोचना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको सोचना, मैं आपको ऑप्शन से करने का तरीका बताऊंगा कि वास्तव में हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। 5% की लाभ की जगह पर 10% की हानि होने पर 30 रुपये का घाटा हो, तो इसको भी एक बार करने की कोशिश करो, कॉस्ट प्राइस निकालो। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी आपके एग्जाम है नियर बाई, तो हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले ये सब चीज़ें हम अच्छे से अच्छे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव, वो हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से करा दें। 5% की लाभ की जगह और 10% की हानि होने पर 30 रुपये का घाटा हो रहा है, तो आप कॉस्ट प्राइस बताओ। ओके, वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो कि यहाँ पर 5% का लाभ है। अगर आप इनिशियल लेवल से करते हो कि 100 रुपीज़ मान के कि 100 रुपीज़ मेरा लागत मूल्य है और X रुपीज़ या फिर X रुपीज़ लागत में, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग होता है। अब ये देख लो, यहाँ पर वैसे अगर मैं आपको एक बार बताऊँ कि 100 रुपीज़ अगर इसका लागत मूल्य मानता हूँ, तो 5% अगर लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 105 रुपये। वहीं अगर 100 में क्या मानता था, इनिशियल मानता था, और 10% की हानि होती थी, तो मेरा लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कितना जाएगा? 90 रुपये। 10% की हानि हो रही है मेरी, तो 30 रुपये का घाटा। अब ये बोल रहा है कि 30 रुपये का घाटा, बट ये क्या है, एक रियल नंबर है, और यहाँ पर ये सब चीजें क्या है, ये मेरी काल्पनिक चल रही है। मैंने 100 माना तभी तो क्या 105 आया, अगर मैं 200 मानता तो 210 आता, तो ये मेरा काल्पनिक नंबर है। अब एक बार देखो, काल्पनिक में कितना अंतर आ रहा है, 15 रुपये का अंतर आ रहा है। काल्पनिक में 15 का अंतर आ रहा है, जब मेरा क्रय मूल्य 100 है, जब मैंने काल्पनिक क्रय मूल्य माना 100 रुपये, तब मेरा अंतर कितना आ रहा है, तब मेरा घाटा कितना आ रहा है, 15 रुपये का। अब ये बोल रहा है कि 15 किसके बराबर है, 15 आपका 30 के बराबर है, तो बताओ ये 100 किसके बराबर होगा? डेफिनेटली 200 के बराबर होगा। आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। जब यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, तो डेफिनेटली 100 के साथ मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये तो आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, इसमें ये 5% लाभ है, 10% हानि है। ये 5% लाभ हो रहा है और ये 10% हानि हो रही है, और आपको बोला 30 रुपये का कटा है। तो एक बात देखो, इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, 15% का अंतर है, ठीक है? 15% का अंतर है, और ये 15% आपके किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 30 के। परसेंट हटाओगे, अपॉन में 100 लगाओगे, अब ये परसेंट से 100 लगेगा अपॉन में, तो ऊपर जाएगा 15 दूनी 30, तो क्या होगा, सीधा सीधा 200 रुपये होगा। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट सिंपल से आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के कंसेप्ट हैं, इन पर करो बेस्ड। मैं आपको DI वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्विज होते हैं वहाँ पे, PDF आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और आप हमें इंडिविजुअली भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करो, और हमारे जो भी आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की नीड है, डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर करो, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।